हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सौम्या रायमा के गले पर अपनी पकड़ और मजबूती बनाती जा रही थी, लेकिन रायमा के चेहरे पर चिंता का एक भी भाव नहीं था। उल्टा वो सौम्या को देखकर हंसने लगती है। क्या लगता है तुम्हें, ये सब करने से अंत में क्या होगा? इस दुनिया में तुम कुछ भी जबरदस्ती हासिल कर सकती हो, पर किसी का प्यार कभी नहीं कर सकती। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो उसे तुमसे मैं तो क्या भगवान भी नहीं छीन सकता। पर जबरदस्ती का प्यार करवाना किसी अपराध से कम नहीं है और इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अंजाम का स्वाद खुद मैंने चखा है। रायमा की कहीं बातें कहीं ना कहीं सौम्या के दिल में अपना असर डाल रही थी। ये बात तो सच थी, किसी के साथ भी कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं निभाया जा सकता था। रायमा खांसते हुए कहती है, गला छोड़ो छोड़ो मेरा। सौम्या के हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने रायमा का गला नहीं छोड़ा। पर वो इस बात से अनजान थी कि अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। रायमा किसी तरह से अपने हाथ को अपने हैंडबैग तक ले जाती है जो उसने अपने कंधे पर टांग रखा था और उससे एक बंदूक को निकालती है। सौम्या की नजर जैसे ही उस बंदूक पर पड़ती है वो रायमा का गला छोड़ देती है। रायमा बंदूक को सीधे सौम्या की ओर पॉइंट करती है। सौम्या अंदर ही अंदर डर चुकी थी, पर वो अपना डर सामने नहीं आने देती और कहती है, एक ऐसी औरत जो अपने आप को एक राइटर बताती है, अचानक से वो एक दिन जलते हुए पंडाल में पहुंच गई और एक अनजान इंसान की जान बचाने के लिए उसी अनजान इंसान की गाड़ी के साथ कुछ दिन बाद तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो जाता है, और तो और अचानक से तुम्हारे पास उस इंसान का कॉल भी आ जाता है। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहा है? और आज एक सीधी सादी मासूम राइटर के पास बंदूक है। कौन हो तुम और क्या वास्ता है तुम्हारा ओबेरॉय के साथ? क्या है तुम्हारा असली मकसद रायमा? अपराजिता और अनुराग कोलकाता की व्यस्त सड़कों से गुजर कर अपने घर की ओर लौट रहे थे। अपराजिता जी कहती हैं, मिस्टर ओबेरॉय, अब क्या करें हम? सीसीटीवी फुटेज में हमें वो लड़की नहीं दिखी। भगवान जाने जैसे ही हम सीसीटीवी रूम में घुसे वैसे ही लाइट क्यों चली गई? यहाँ तक कि जनरेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद अनुराग का फोन बजता है। अनुराग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो गाड़ी को एक किनारे पर लगाता है और फिर फोन उठा लेता है। बोलो सौम्या, काम हुआ? सामने से सौम्या की आवाज आती है। हाँ जी अंकल, मैंने पता लगा लिया है कि कौन है वो रायमा और उसका असली मकसद क्या है। ठीक है, अगर तुम्हें पता लग गया है तो कल ऑफिस आ जाना, वहीं पर बात करेंगे। अनुराग एक बिजनेसमैन था, वो इतनी ज्यादा आसानी से बाजी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। रात के 10 बज चुके थे। प्रेम ने न जाने रायमा को कितनी बार फोन लगाया, पर रायमा फोन नहीं उठा रही थी। प्रेम आज पहली बार इस बड़े से कमरे में अकेला महसूस कर रहा था। वो जाकर बेड पर लेट जाता है और छत की ओर देखने लगता है। जहां देखो वहां उसको सिर्फ और सिर्फ रायमा ही नजर आ रही थी। वो अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालता है और फिर दोबारा उस ब्रेसलेट को देखने लगता है। ये रायमा की पहली निशानी थी जो उसके पास आई थी। क्या मकसद है रायमा का और क्या रायमा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।